आज की वीडियो में हम सिगरेट लाइटर का कनेक्शन करने वाले हैं। आप किसी भी गाड़ी में इजीली कर सकते हैं। मैं ये जो पॉइंट है, ये हमारा पॉजिटिव वायर का कनेक्शन होगा, जो आप प्लस कि जो कहीं भी वायरिंग है वहाँ से आप दे सकते हो इजीली। और ये पॉइंट नेगेटिव करेगा। इस नेगेटिव को या तो आप बॉडी के अर्थ में कनेक्ट कर दो, और जो ये पॉजिटिव है इसको आप या तो फ्यूज बॉक्स से वायरिंग ले लो, या तो आप जिस जगह इसका चार्जर फिट होता है उस जगह आपको वायरिंग भी दी जाती है, जिससे कि आप इजीली कनेक्ट कर सको। और आज की वीडियो में हम सिगरेट लाइटर का कनेक्शन को रिप्लेस करने वाले हैं। ये चार्जिंग का पॉइंट होता है, इससे हम चार्जर भी कनेक्ट करते हैं गाड़ी में। और ये 12 वोल्ट पे वर्क करता है, क्योंकि जो गाड़ी में सप्लाई होती है वो 12 वोल्ट होती है, 12 वोल्ट। वो कैसे कैसे कनेक्शन करने हैं वो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप वायरिंग ले लो, जिससे कि आप इजीली इसके कनेक्शन कर पाओ। और एक आपको थिम्बल चाहिए, जिससे कि आप जो नेगेटिव वायर है इसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सको। और मेन होती है इसकी वायरिंग। तो वायरिंग आप जब भी यूज़ करो, हैवी यूज़ करो, क्योंकि आपको जो सिगरेट लाइटर या चार्जिंग का पॉइंट होता है उस जगह अगर आपको पंप चलाना हो, एयर कंप्रेशर, जैसा कि ये है, जो ये एयर कंप्रेशर है इसमें पूरी कंप्लीट मोटर है, तो इसलिए जब भी आप कनेक्शन करो तो हमेशा हैवी वायर का यूज़ करो, ताकि इस तरीके के जो भी इक्विपमेंट है वो आपके चल सकें। अगर आप हल्की वायर का यूज़ करोगे तो सारी वायर बर्न हो जाएगी। और कभी भी यूज़ करो, एक फ्यूज़ ज़रूर दो, या तो आप डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स से कनेक्शन ले लो, वहाँ भी आपको पॉइंट दिया जाता है सिगरेट लाइटर का, तो आप वहाँ से डायरेक्ट प्लस ले लो। और जो नेगेटिव है, या तो आप डायरेक्ट गाड़ी की बॉडी या चेसिस में कहीं भी कनेक्ट कर दो। तो करते हैं स्टार्टिंग। और आपको सबसे पहले एक कटर, प्लास और एक टेप चाहिए, जिससे कि आप वायरिंग को टेप कर सको। और एक थिम्बल, ये पॉइंट है पिन, जिससे कि हम इसमें डायरेक्ट कनेक्शन देंगे। थिम्बल है ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव वायर का पूरा, ये इंसुलेटेड है ताकि कहीं से भी कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। और आज की वीडियो में हम सेंट्रो जिंग में कनेक्शन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को देख के इजीली कनेक्शन कर पाओगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले इग्निशन ऑफ कर लेना है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। इस जगह इसका ये फ्यूज़ बॉक्स की लोकेशन है, जिसे आप इजीली रिमूव कर सकोगे। नीचे ये लॉक है, इस लॉक को नीचे प्रेस करना है इसे ऊपर, तब वो इजीली रिमूव हो पाएगा। और इसमें जो लोकेशन है सिगरेट लाइटर की, ये रहा, ये इसी जगह हम चार्जिंग कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। तो ये 15 एम्पियर का फ्यूज़ है। इस जगह आपको डायरेक्ट पॉजिटिव वायर लानी है। तो ये फ्यूज़ है, इसमें एक पॉजिटिव आएगी बैटरी से, और यहाँ इस जगह आपको कनेक्ट करना है, ताकि कभी भी कोई शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज़ बर्न हो जाएगा, मतलब जो इसका सर्किट है वो क्रैक हो जाएगा। तो अब इसकी कनेक्शन करते हैं। पॉजिटिव हमको डायरेक्ट इधर लाना है, और नेगेटिव हम बॉडी में कहीं भी कनेक्ट कर देंगे। तो आपको इस तरीके का एक कनेक्टर दिया जाएगा, जिस जगह आपकी चार्जर वायरिंग फिट होगी। सिगरेट लाइटर का कनेक्शन है, तो आप जब गाड़ी के नीचे की साइड से इस कफलर को देखोगे, उसके बैक साइड में, तो आपको एक कफलर इस तरीके का दिखाई देगा। तो आप या तो डायरेक्ट इस जगह से भी कनेक्शन कर सकते हो, जैसे कि आप लोग
देख सकती हो, तो ये जो ब्लैक वायर है ये इसकी नेगेटिव वायरिंग रहेगी, और जो ये रेड वाली वायर है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर आप इसमें कनेक्शन करोगे तो इसमें आपका फ़ायदा ये रहता है, जब भी आप इग्निशन ऑफ़ कर दोगे तब चार्जिंग का जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, और जब आप जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो वो कनेक्शन सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपको सप्लाई ईजिली सिगरेट लाइटर पे मिलेगी। तो अब हम लाल वाले पे पॉजिटिव देंगे और ये जो ब्लैक वायर है इस पर नेगेटिव कनेक्शन देंगे। तो अगर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपके गाड़ी में ये सॉकेट नहीं दिया हुआ तो आप बॉडी में किसी भी जगह एक स्क्रू से नेगेटिव वायर फिट कर देना, जहाँ भी आपको कनेक्शन दिख जाए बॉडी टच हो, जैसे कि इस जगह ये है तो इस जगह से बोल्ट को रिमूव करके यहाँ अर्थ वायर टाइट करके तो अर्थ यहाँ से कनेक्शन दे देना, और जो पॉजिटिव है वो आपको फ्यूज़ बॉक्स तक ले जाना पड़ेगा, तो आप वहाँ से इसका पॉजिटिव कनेक्शन दे सकते हो। तो उससे फ़ायदा ये होता है, कभी भी आप फ्यूज़ का यूज़ करोगे, कोई भी अगर वायरिंग शॉर्ट सर्किट होती है तब वो फ्यूज़ बर्न हो जाएगा, मीन्स ब्लो हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा जो उसका अंदर एलिमेंट रहता है, ताकि आप, और उससे ये फ़ायदा रहता है कि आपकी जो वायरिंग है वो बर्न नहीं होगी। तो कभी भी यूज़ करो, फ्यूज़ ज़रूर यूज़ करो, डायरेक्ट कोई भी वायरिंग यूज़ मत करना, गाड़ी में आग भी लग सकती है। तो अब हम इन दोनों वायरिंगों में कनेक्शन देंगे। वही गाड़ी है सेंट्रो जिंक, किसी भी गाड़ी में आप ऐसे ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सॉकेट की कनेक्शन नहीं पता तो जो सॉकेट होगा इस तरीके का और गाड़ियों में भी दिया जाता है, तो जो ब्लैक वायर है इस तरीके की, जो ये ब्लैक वायर है इसमें नेगेटिव कनेक्शन होगा, और जो ब्लैक वायर है इसमें आपको डायरेक्ट पॉजिटिव करंट दिया जाता है। तो अब इसकी फिटिंग को करते हैं स्टार्ट। और ये गाड़ी है हुंडई सेंट्रो जिंक। तो आप ये सॉकेट हमने कंप्लीट बाहर निकाल दिया है, और आप जो कनेक्शन है इस जगह, ये जो ब्लैक वायर थी ये इसकी नेगेटिव वायर थी और ये रेड वाली इसकी पॉजिटिव वायर थी। तो आप कनेक्शन इस जगह से भी दे सकते हो, या तो आप इस जगह से कनेक्शन दे दो, या तो अभी हम जो वायरिंग है वो डायरेक्ट फ्यूज़ बॉक्स से लेंगे, तो आप वहाँ से ईज़िली इसकी वायरिंग दे सकते हो। तो अब हम इसका कनेक्शन करते हैं, ये ब्लैक और ये रेड इसकी पॉजिटिव, ब्लैक नेगेटिव। ये जो कनेक्शन है इस फ़िलहाल अभी ये स्टूडियो पे कनेक्शन है, तो आप इस जगह से भी कनेक्शन दे सकते हो, अगर आपको ओनली चार्जर यूज़ करना हो तो। अगर आप हैवी चीज़ यूज़ करते हो तो अब हम हैवी चीज़ की यूज़ करेंगे, उसकी वायरिंग का कनेक्शन देंगे। तो ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है जो हमने कंप्लीट रिमूव कर लिया, तो दो बोल्ट यहाँ टाइट थे और एक बोल्ट पीछे। तो इसमें जो सिगरेट लाइटर का फ्यूज़ है तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कोई भी वायरिंग नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो पूरा ब्लैंक है। तो अब हम इस फ्यूज़ को, जो सिगरेट लाइटर का फ्यूज़ को, हम इस जगह रिप्लेस करेंगे सबसे टॉप में, क्योंकि ये ब्लैंक है एक नंबर पे। तो इस जगह इस फ्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, उसके लिए हमें बस एक एक्स्ट्रा वायर लगानी पड़ेगी इस तरह की। तो ये पॉइंट है, आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट हो फ्यूज़ उसमें से निकाल लेना, जो किसी काम के ना हो। जैसे आपका ये डोर लॉक है, अगर कंपनी फिटेड नहीं है तो आप इसकी वायरिंग काट सकते हो। कोई भी जो फ्यूज़ वेस्ट हो, जो भी किसी काम के ना हो, तो उसका इस तरीके से एक तार काट लेना। तो अब इस वायर को इस जगह हम फिट करेंगे एक नंबर में।
सबसे पहले इसमें एक लॉक दिया जाता है, ये तो ये कनेक्शन डायरेक्ट जो चार्जर का इस पॉइंट में ये प्लस है और ये नेगेटिव, बॉडी के किसी भी जगह कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस जगह हम कनेक्ट करेंगे। तो ये इसकी वायरिंग पूरी कंप्लीट फिट हो चुकी है, तो अब जो बारी है इस फ्यूज़ बॉक्स को इसकी जगह कंप्लीट फिट कर देंगे, फिर हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये इसकी कनेक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है और फ्यूज़ बॉक्स, अब जो ये फ्यूज़ है सिगरेट लाइटर का वो रिप्लेस होके एक नंबर पे आ चुका है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये इसके थिम्बल हैं, जो ये थिम्बल है इसका नेगेटिव वायर का थिम्बल है, और ये जो थिम्बल है ये आप जिस जगह बॉडी में आपको यूज़ करना हो तो आप इस तरह का थिम्बल यूज़ कर सकते हो। ये वायरिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और ये इसका पॉजिटिव वायर था जो हमने डायरेक्ट फ्यूज़ बॉक्स से लिया है इस जगह से, और ये जो वायर है ये नेगेटिव वायर, या तो आप इस जगह कनेक्ट कर दो या तो आप बॉडी में जिस जगह बोल्ट या स्क्रू कोई लगाओ आप वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो चार्जर या सिगरेट है लाइटर है ये ऑन हो जाएगा। नेगेटिव वायर है ये आपको या तो बॉडी में कनेक्ट कर दो इस जगह ऐसे, तो ये जो चार्जर है वो ऑन हो चुका है, ये अभी हमने जो अर्थ है वो बॉडी में दे रखा है, और जो पॉजिटिव वायर है डायरेक्ट हमने फ्यूज़ बॉक्स से कनेक्शन लिया है इसका, या तो आप अर्थ को इस जगह भी लगा सकते हो, इस जगह लगा के जो आपने कफलर खोला था उस कफलर में इस कफलर को फिट कर देना, या तो आप बॉडी में इस जगह से भी अर्थ ले सकते हो। जैसे ही आप अर्थ दोगे ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और चार्जिंग ऑन हो जाएगी। ये अभी कंप्लीट वर्क कर रहा है, ये वायर हटी ऑफ, जैसे ही अर्थ इसे मिलेगा वैसे सर्किट ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया, और जैसे ही आप इग्निशन ऑफ करोगे तभी भी ये इसकी जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। और फ्यूज़ लगाने से ये सेफ्टी रहती है, अगर कभी भी कोई वायरिंग बर्न होती है तो आपका डायरेक्ट फ्यूज़ बर्न हो जाए, फ्यूज़ ग्लो हो जाएगा, मीन्स जो सर्किट है वो क्रैक हो जाएगा बीच का, या आपका जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है मीन्स चार्जर में तभी भी वो फ्यूज़ ग्लो हो जाएगा, मीन्स टूट जाएगा फ्यूज़ के अंदर का सर्किट। तो अब जो चार्जर है ये ऐसे ही हम सेंट्रो में फिट करते हैं, या तो आप इस जगह से भी कनेक्शन ले सकते हो अगर दिया हो, नहीं तो जो ये अभी हमने सेकंड स्टेप बताया आप उस जगह से भी कनेक्शन ले सकते हो फ्यूज़ बॉक्स से। तो अब हम इसमें कंप्लीट इसका सिगरेट लाइटर का यूनिट कंप्लीट फिट कर देंगे। और ये गाड़ी थी हुंडई सेंट्रो जिंक,
सेक्शन फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं। जो अर्थ है हमने इस जगह से लिया है। अगर आपके पास अर्थ इस जगह इस टाइप का सॉकेट ना हो तो आप बॉडी से डायरेक्ट अर्थ ले सकते हो। तो अब जो वायरिंग है ये फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। वायरिंग अब हम इस सॉकेट में कंप्लीट फिट कर देंगे। वैसे ही आप हर गाड़ी का फिट कर सकते हो। जो सेंटो का है आपको इस तरह से फिट करना है। ये देखिए दो सिंबल, इस तरह दो सिंबल हमने यूज़ किए हैं। ये इस तरह के सिंबल हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने जो कनेक्शन है वो कंप्लीट कर दिए हैं। जो लाइटर का कनेक्शन था या चार्जर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हमने वायरिंग नेगेटिव की इस जगह से लिया है, जो सॉकेट था, या आप बॉडी में से भी ले सकते हो। और ये इसका चार्जर है जो अभी हम कनेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको। जो चार्जर है वो ऑन हो चुका है। और जैसे ही आप चाबी इग्निशन ऑफ करोगे, जैसे ही हम इग्निशन ऑफ करते हैं तो जो लाइट है वो बंद हो जाएगी चार्जर की। इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, इग्निशन ऑन पे चार्जर ऑन हो जाएगा। इग्निशन ऑफ, चार्जिंग ऑफ, इग्निशन ऑन, चार्जिंग ऑन। अगर आप इसका फ्यूज़ हटा देते हो तभी भी ये चार्जर काम नहीं करेगा सिगरेट लाइटर का। ये फ्यूज़ हट गया, सर्किट इसका कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये जो चार्जर है वो ऑन नहीं होगा। लगा ये सर्किट चार्जर ऑन हो गया। और जैसे ही हम फ्यूज़ हटाते हैं ये ऑफ हो गया। तो फ्यूज़ से ये फ़ायदा रहता है, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होती है तब ये फ्यूज़ ग्लो हो जाएगा। मींस जो इसका सर्किट होता है फ्यूज़ का वो टूट जाएगा। मींस जो ये सर्किट होता है अंदर का, ये जो सर्किट होता है फ्यूज़ का अंदर का, जैसे जब भी शॉर्ट कोई कुछ शॉर्ट होगा चार्जर इसके अंदर चार्जर में, तो ये जो फ्यूज़ है ये ग्लो हो जाएगा। मीन्स ग्लो हो जाएगा मीन्स टूट जाएगा बीच में से, तब ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तब आपको पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तब ये फ्यूज़ रिप्लेस करना है। ऐसे ही हम इसका कनेक्शन करते हैं। पॉइंट है, इस फ्यूज़ को हमने रिप्लेस करके एक नंबर पे ले गए हैं, क्योंकि जो एक नंबर था वो ब्लैंक था। तो इस जगह हमने इसका फ्यूज़ रिप्लेस कर दिया है। और अब आपको मार्किंग जो सिगरेट लाइटर की है वो एक नंबर पे करनी है। ऐसे ही हम इसकी वायरिंग करते हैं। और कंप्लीट इसकी हमने वायरिंग प्रॉपर फिट की है। ये एयर कंप्रेशर है, जो पहले प्रॉब्लम थी गाड़ी में, जब हम एयर कंप्रेशर सिगरेट लाइटर में कनेक्ट करके ऑन कर रहे थे, जितनी भी इसकी वायरिंग थी सिगरेट लाइटर की वो बर्न हो रही थी। वो वायरिंग काफ़ी हल्की यूज़ की हुई थी पहले, जिसकी वजह से जो वायरिंग है वो बर्न हो रही थी जब हम एयर कंप्रेशर को ऑन करते हैं। तो अब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि जो इसका पहले कनेक्शन था वो डायरेक्ट स्टूडियो से कनेक्शन था। तो अब हमने जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट फ्यूज़ से दिया है, और काफ़ी हैवी वायर को हमने यूज़ किया हुआ है। तो अभी हम इसका एयर कंप्रेशर एक बार आपको ऑन करके चेक करवाते हैं। जैसे ही हम इग्निशन ऑन करेंगे ये एयर कंप्रेशर ऑन हो जाएगा।
और ये लाइट है, जिससे कि आप इजीली देख सकते हो आपका किस जगह इसका नलकी होती है, जिससे कि हम इसमें टायर में एयर भरेंगे तब आपको इसे ऑन कर लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसे ऑन कर सकते हो। तो ये था एयर कंप्रेशर, और जो पहले प्रॉब्लम थी जो इसका एयर कंप्रेशर था इस वायरिंग से ऑन नहीं हो रहा था, जैसे ही हम ऑन करते थे वैसे ही इसकी वायरिंग सारी बर्न होना स्टार्ट हो जाती थी। तो अब हमने जो इसका वायरिंग है, वायरिंग कंप्लीट हमने रिप्लेस कर दी है और काफ़ी हैवी वायरिंग को यूज़ किया है, और उस जगह इसका फ्यूज़ बॉक्स था जिस जगह से हमने इसका कनेक्शन लिया था। तो ये जो एयर कंप्रेशर होता है वो काफ़ी हैवी होता है, इसमें हमेशा हैवी वायरिंग का ही यूज़ करना चाहिए जब आपको इस एयर कंप्रेशर को यूज़ करना हो। इस टाइप का एयर कंप्रेशर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। इन एयर कंप्रेशर से जो टायर की हवा है वो काफ़ी जल्दी जल्दी भरती है, और एक और आते चाइनीज़ वो छोटे से, लेकिन उनमें जल्दी हवा नहीं भरती। पूरा एयर कंप्रेशर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक होते हैं सेम वही डिज़ाइन किया हुआ है। ये इसका इलेक्ट्रिक मोटर है, इस जगह इसकी गेज दी हुई है जो डायरेक्ट इस जगह से इसका कनेक्शन है। इसके अंदर एक पिस्टन दिया होगा मैकेनिज़्म जिससे कि एयर कंप्रेस की जाती है, और एक वाल्व दिया होगा। तो ऐसे ही हम इस एयर कंप्रेशर को यूज़ भी करते हैं, ईज़िली आसानी से इसे कहीं भी आप ले जा सकते हो, इसे गाड़ी में बूट में कहीं भी रख दो। काफ़ी छोटा है साइज़ में और काफ़ी जल्दी जल्दी हवा भरती है इससे। ये टूल है जिनकी मदद से हमने इसका वायरिंग कनेक्शन किया है, ये डिजिटल मल्टीमीटर है जिसकी सहायता से हम इसकी वायरिंग करते हैं, और ये कुछ वायरिंग है जो बच गई। और ये तो ऑक्स है, ये इसका चार्जर काफ़ी टूल है, ये इसका कटर वायर कटर टेप, जितनी भी वायरिंग हमने काटी है उस पर टेप करने के लिए ये इसका चार्जर है, अब इजीली वर्क करेगा। ये मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम फिट करवाओ तो उसमें फ्यूज़ ज़रूर यूज़ करूँ।